गुड मॉर्निंग किड्स, आई एम हीना शर्मा फ्रॉम जीओजीएस एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4 ऑक्यूपेशन, सब्जेक्ट ईवीएस एंड क्लास 3। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 ऑक्यूपेशन, ईवीएस का सब्जेक्ट है। आपकी बुक का ईवीएस जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर 24 आप ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में रीड करते जाइए। और उसके साथ में आपको एक पेंसिल भी आपके हैंड में रखनी है, जिससे मैं आपको अगर स्पेलिंग बता रही हूँ, किसी का मीनिंग बता रही हूँ, तो आप उसमें बैठ जाए, वो आप उसमें नोट कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये जो आपको पिक्चर्स दे रखे हैं, इसमें आपको नेम मेंशन करना है कि ये कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं। सो सबसे पहले हम चैप्टर रीड करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ऑक्यूपेशन का नेम क्या है, इसका नेम क्या है एंड इसका नेम क्या है। देन उसके बाद में आप लोग मेंशन कीजिएगा। सो स्टार्ट करेंगे। वी नीड फूड टू ईट, हमें फूड की आवश्यकता होती है, नीड होती है, क्यों? क्लोथ्स टू वियर, क्लोथ्स की आवश्यकता होती है वियर करने के लिए, पहनने के लिए। एंड अ हाउस टू लिव इन, और हाउस की नीड क्यों होती है, क्योंकि हमें उसके अंदर रहना होता है। वी नीड मनी फॉर ऑल दिस, इस सब चीज़ों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मनी की, पैसों की। सो व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े होते हैं, वी नीड टू वर्क, और हम कुछ काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, मनी मीन्स पैसा। एनी वर्क विच हेल्प अस टू अर्न मनी, कोई सा भी वर्क जो आपको हेल्प करता है मनी को अर्न करने के लिए, इस कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्क, अब कितने टाइप के वर्क होते हैं हमारे यहाँ पे, वो हम डिटेल में समझते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, हमारे पास बहुत सारे वर्क होते हैं दैट पीपुल डू टू अर्न मनी, जो अर्न कर सकते हैं मनी को, टू मीट द डेली नीड्स टू देयर लाइफ, जो मनी अर्न करने के लिए हम उन वर्क से डेली मिलते हैं। देयर आर टीचर हु टीच स्टूडेंट्स इन स्कूल, फर्स्ट जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, टीचर का, जो आपके स्कूल में आपको कोई भी पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। तो टीचर क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। सेकेंड इज डॉक्टर हु ट्रीट पीपल व्हेन दे आर सिक, जब पीपल बीमार पड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जब पीपल बीमार पड़ते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर। सो सेकेंड जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो क्या है, डॉक्टर का। एंड थर्ड इज लॉयर हु हेल्प अस टू गेट देयर राइट्स, हमारे अधिकारों को हमें मिलाने के लिए कौन हेल्प करता है, लॉयर। सो फर्स्ट ऑक्यूपेशन टीचर, डॉक्टर एंड लॉयर। नेक्स्ट है राइटर्स हु राइट इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज, राइटर होता है जो स्टोरीज को लिखता है, जो स्टोरी हमें पसंद आती है ना, वो कौन लिखता है, राइटर लिखता है। सो दिस इज फोर ऑक्यूपेशन, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड राइटर। ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव टैक्सी, ट्रक, कार, बसेस, इन सबको ड्राइव करता है। नेक्स्ट है कॉबलर्स, कॉबलर्स मैंड आर शूज, और जो कॉबलर्स होते हैं वो हमारे शूज़ को बनाते हैं। पोस्टमैन लेटर्स को डिलीवर करता है, प्लम्बर्स मैंड एंड फिक्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स, और जो प्लम्बर है वो क्या करता है, वाटर पाइप और टैप्स को क्या करता है, ठीक करता है। और फार्मर्स ग्रो फूड, भोजन को उगाते हैं। टेलर्स मेक क्लोथ्स फॉर अस, और टेलर क्या करते हैं, हमारे क्लोथ्स को सिलते हैं। एंड स्वीपर्स क्लीन स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं। देयर आर मेनी मोर जॉब्स दैट पीपल डू, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब हैं जो पीपल करता है, क्यों करता है, अर्न मनी के लिए। तो ये क्या है, हमारे ऑक्यूपेशन है। सो हम एक बार देखते हैं कि हमने कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं जो रीड किए हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, राइटर, ड्राइवर, कॉबलर्स, पोस्टमैन, ड्राइवर, प्लम्बर, फार्मर एंड स्वीपर्स एंड टेलर। सो ये ऑक्यूपेशन है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।